मैं क्या कर रही इसके साथ? तू कौन सी दोस्ती निभा रही? तू कौन सी दोस्ती निभा रही इधर? कैसे मार रहा हूँ है? क्या हाथ कैसे उठा रही है? टच कैसे कर रही है? तू कैसे टच कर रही मुझे है? टच कर तोड़ दूंगा लक्ष्य तुझे, समझी? कौन है ये? कोई नहीं, तू कौन है? मेरा परिचय मत पूछ, ये कौन है ये बता। तू यहाँ से निकलना है, यहाँ से। अभी ये भी तू भी पीटेगा और ये इसको भी मारूंगा पलक पकड़ के। बता दे कौन है इज्जत से? मैंने तेरे को बोला तू यहाँ से, तू निकल। कैसा पेमेंट दिया मैंने इसको? इधर बैठ के लिए लेके इधर बैठ। जोड़ देगा क्या? रिश्ता जोड़ दूंगा कि समझ में नहीं आता क्या तेरे को? समझ में नहीं आता क्या? समझ में ये बोलते हैं तुम्हारा या फिर कुछ भी बोलेगा? बात तो कर लो। ये बोलते तुम्हारा कौन है? देख मैं पहले समझा रही हूँ, समझ में आता? हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरवी रॉक स्टाइल पे। मैं हूँ राहुल वर्मा, जैसे गाइस आप मुझे जानते ही हैं, और गाइस इन्हें तो आप जानते हैं। हेलो, एआरवी बैंक से आलिया शेख। और इन्हें मैं हूँ जस्सू 2.2 से जसराम। तो गाइस क्या बताऊँ मैं, आज की जो दिक्कत है वो अगेन वाइफ को ही लेकर आई है। आज की जो दिक्कत लेकर आए हैं वो नवनीत जी लेकर आए। नवनीत जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार जी। तो नवनीत जी की जो दिक्कत है इनकी वाइफ को लेकर है। अभी रिसेंटली ही इनकी शादी सिर्फ 4 महीने हुए हैं गाइस, सिर्फ 4 महीने। और 4 महीने में इन्होंने के साथ क्या क्या हो गया है ये खुद ही बताएंगे। इन्होंने सारी चीज़ मुझे फेसबुक के थ्रू में बात हुई थी मेरी, सारी दिक्कत बताई। तो मैं चाहूँगा नवनीत, जो दिक्कत आपने मुझे बताई है ना, शादी कब हुई और क्या दिक्कत चल रही है, वही एक बार मेरे व्यूवर्स को आप बताओ क्या दिक्कत है आपकी, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। सबसे पहले नमस्कार मेरा आप सभी को। मेरा नाम नवनीत है। शादी कितना टाइम हो गया आपको? मेरी शादी को अभी 4.5 महीने हुए हैं। 4.5 महीने? 4.5 महीने हुए हैं। मैरिज है आपकी? जी शादी लव मैरिज है। कॉलेज में हम दोनों साथ पढ़ते थे। अच्छा, तो कॉलेज में साथ पढ़ते पढ़ते प्यार हुआ, तुमने शादी? प्यार हुआ, हमने शादी। शादी के बाद जो हुआ फर्स्ट नाइट से वो बताओ, जो आपने मुझे शादी हुई उसके बाद। लोग शादी तो सभी की होती है, बट सेकंड नाइट जो होता है वो सब भी। तो मेरी तो सॉरी फर्स्ट नाइट तो मतलब जो मेरी स्टोरी थी वो तो वो कुछ ऐसी थी कि पूरी फिल्म वाली होगी कहानी। हाँ जी, मतलब शादी हुई ठीक है, उसके अगले दिन जो भी मतलब वाइफ मेरे पास ही नहीं आई। वाइफ का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। चलो मैं बताऊँ आप क्या बोल नहीं पा रहे उतना। देखो इनकी दिक्कत, इनकी वाइफ पता क्या बोल रही है पहली फर्स्ट नाइट में कि मैं बीमार हूँ, आज कुछ नहीं कर पाएंगे। अब समझ जाओ यार, मैं उतना खुल के नहीं बताऊँगा। तो उनका रिलेशन उतना नहीं हुआ, और उसके बाद भी जब भी पास आने की कोशिश करते बहाने करती है, यार मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, प्लीज़ अभी नहीं कर सकते, जब टाइम टू टाइम कर लेंगे। कॉलेज का प्यार था इनका, कॉलेज में 1 साल आप साथ रिलेशन में रहे। हाँ जी बिल्कुल, कोई इंटीमेट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बट ये चीज़ ना मुझे बहुत अजीब लगी। और प्लस अभी क्या है, वो ज़्यादातर अपने मायके ज़्यादा जाती रहती है, मायके जाती रहती है ना। हाँ जी। अभी क्या 4 महीने में वो ये बोले 10-15 बार मायके जाती है। अब ये नहीं पता वो मायके, आपने अभी फ़ोन किया उसके मायके पे, घर पे कभी फ़ोन किया? फ़ोन किया, लेकिन वो उनका रिस्पॉन्स ऐसे होता है उनके मम्मी मॉम डैड का कि हमारी बेटी तो ऐसा कर नहीं सकती, वो अभी ऐसी है ही नहीं। तो बात नहीं करी आपने कि मायके में वो है कि नहीं? बात करी थी आपने फ़ोन पे इस बारे में? बात की थी। नहीं नहीं, जब ये मायके जाती है, जब आप फ़ोन करते हो तो ये मायके में रहती है कहीं और? मायके में जाती है, सिर्फ रहती नहीं है। वो रहती कहाँ है ये तो उनको भी नहीं पता चलता। अच्छा, आपको श्योर हो वो मायके में नहीं रहती? नहीं, बस जाने का बहाना, जाने का नाम है। समझ गया। तो गाइस इनका कहना है, इनकी जो वाइफ है इनका बाहर पक्का सेम अफेयर है, इनको ऐसा लगता है। तो देखो हमने उसमें ट्विस्ट के लिए क्या किया था, इनकी वाइफ की सच्चाई जानने के लिए, वाइफ सच में ऐसी है कि नहीं है। तो मैंने स्पेशली आपकी वाइफ का आपसे मैंने इंस्टा लिया था और फेसबुक लिया था, सब कुछ लिया था। मैंने जो बात कराई वो जस्सू की कराई, और जस्सू की जो बात कराई ना एक एज अ फ्रेंड बनाया पहले, और फ्रेंड बना के काफ़ी पैसे वाले के रूप में बात कराई। तो जस्सू को बताओ क्या बात हुई आपकी, प्रॉपर बताना तरीके से। भाई बता देता हूँ नवीन जी, जो भी मेरी उससे बातें हुई हैं, पहले तो मुझे सर ने नंबर दिया था, ठीक है, नॉर्मल हाई हेलो ही, ठीक है। और क्योंकि उसका पहला ही क्वेश्चन जो मेरे से था ना, वो बोल लेती है क्या, पहले तो उसने भाई पूरा फैमिली के बारे में पूछा, तो भाई जो रियल थी और कुछ फेक, तो मैंने उसको फेक बढ़ा चढ़ा कर इतना कुछ बताया कि पहली जो मेरी कॉलिंग हुई थी वो 3 घंटे के समथिंग बातें हुई। 3 घंटे के अंदर भाई इस तरीके से उसको हमने किया ना, क्योंकि भाई ये हमारा काम ही होता है लड़कियों से बात करना, कैसे क्या उसको बात करनी है। बोलो देखो भाई, 3 घंटे मेरी उस पर ऑडियो कॉल बात हुई, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, हो सकता है आपको इस चीज़ के लिए बुरा लगे। और फिर देन उसके बाद मेरी वीडियो कॉल हुई पूरी, भाई ऊपर से नीचे तक मैंने उसको न्यूट कर दिया था पूरी, 1 घंटे के अंदर पूरी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, दिखा सकता हूँ तेरे को। अब सोच उसकी मेंटलिटी कैसी होगी, और कुछ मैंने ज़्यादा लालच नहीं दिया। पेटीएम से मैं इसके बारे में कॉलेज में पता नहीं, कैसी कैसी नहीं है कॉलेज में, ऐसा कुछ था नहीं।
बट उस टाइम प्यार ही था तो इतना भी तो नहीं चला ना प्यार। कितने टाइम मैडम एक तरह की वो ना एक तरह की वो ना कॉल कर ले सीधी सीधी बोल दूं भाई उसको मैंने पेटीएम मैडम ऑनलाइन ही मैंने 5,000 किए कॉल पे ही और देन फिर ऊपर से नीचे तक पूरी न्यूड हो गई बोलने भाई मुझे भी शर्म आ रही है। और मैंने जो भी अपनी कॉल वगैरह की सेफ्टी के लिए पूरा मास्क वगैरह पूरा अपना कवर करके रखा क्या हो सकता है भाई वो भी तो अपनी रिकॉर्डिंग कर सकती है ना सामने वाला भी सारा कुछ। और आज मिलने के लिए आ रही है होटल वगैरह सब कुछ उसी ने बुक किया सब कुछ ठीक है बस मैंने उसको जस्सू से प्यार नहीं से पैसों के लिए हां वो पैसों के लिए एक बार उसको फोन कर जा कस्टमर के भी बस बेस पा रही हो और मैं बात कर लेता हूं वही तुम्हारे सामने ठीक है। समझ नहीं आता है आज के युग में क्या चल रहा है। स्पीकर पे रखना फोन ठीक है स्पीकर पे डाल क्या बात है हेलो अभी भी किसी कैसे हाँ जी कैसे हो हाँ जी कितना टाइम लगेगा जो पेमेंट था वो मैंने आपके अकाउंट में कर दिया ठीक है। और ये कह रहा हूँ होटल वगैरह आपने कर दिया ना बुक मैंने कर दिया सब कर दिया। हाँ तो जल्दी निकला क्योंकि फिर मेरे पास भी टाइम नहीं है बस मैं ना तुमको ओनली 2 घंटे दे पाऊंगा उसके बाद मुझे भी निकलना होगा क्योंकि अभी बारिश का मौसम हो रहा है तो फिर आप समझ सकते हो। ठीक है ना तो जल्दी निकलो ओनली हम यहाँ पर 5 से 10 मिनट स्पेंड करेंगे पार्क में देन उसके बाद जो भी आपकी लोकेशन वहाँ पर चल रहे हैं हम लोग ठीक है। ठीक है ठीक है बाय। लो भाई देखा आपने सुना और पीछे एक लड़की की आवाज़ है मैंने वो नोटिस किया एक लड़का भी था है पता नहीं कौन है आई डोंट नो बट देखा आपने यार मुझे क्या तुमने यार कैसे शादी जल्दबाजी इतनी उम्र भी ज़्यादा नहीं लग रही तुमने शादी कैसे कर ली यार। बस ये है कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा है उसने मुझे भी ऐसा लगता है कि उसने मेरे से शादी सिर्फ मेरे पैसों के लिए की। अब पता लग रहा है आपको ये चीज़ जी मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से पता लग रहा है कि सिर्फ उसने मेरे से अब आपको मैं लाइव दिखाऊंगा आज वो चीज़ ठीक है लाइव क्या होता है सब। बस यार पता है ये सब करने में हमें बड़ा अजीब लगता है ना आलिया यार ये सब करते हैं गाइस कुछ नहीं होगा मैं आपको लाइव दिखाऊंगा तो गाइस वीडियो बने रहो आ रही है वो अब कब तक आती देखते हैं दोस्तों से माइक पकड़ो ठीक है अब तुम्हें हैंडल करना है बिल्कुल अब तुम्हें मैं दिखाऊंगा ठीक है तो हम चलते हैं कैमरे के पीछे ओके चलो आलिया। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हेलो हाय कैसे हो बढ़िया तुम सुनाओ बहुत टाइम लगा दिया यार तुमने आने में। अरे यार पता है क्या बैठो और बताओ आते आते थोड़ा सा कहीं काम से चले गए थे। चलो सही है देखो जो भी मैंने तुमसे बोला था हाँ। पेमेंट के लिए वो तो तुम्हें मिल ही चुका हाँ, मुझे मिल गया। और जो भी तुम्हें नाइट में जो हमारी बात हुई थी वीडियो कॉल वगैरह सारा कुछ वो तो तुम्हें पता ही है भाई बहुत हॉट लगते हो कसम से। थैंक यू मैं ना जब नाइट में हमारी वीडियो कॉल हुई थी जब तुमको 5,000 का जो पेमेंट किया था उससे पहले उसी से मैं तुम्हारा फैन हो गया कसम से। अच्छा जी, तभी तो मैंने और तुम्हें जो 15-20 हज़ार का और पेमेंट अब तो भाई अब मिलने के बाद जब देखो अभी तुम्हारी बातें हुई हैं ठीक है अब जब मिलोगे होटल वगैरह तुमने कर दिया ना हाँ, मैंने बुक कर दिया है टेंशन तो फिर अभी हम कितने बजे निकले कितने बजे की टाइमिंग है तुमसे स्क्रीन शॉट के लिए बोला था वो तुमने भेजा नहीं। किस चीज़ का स्क्रीन शॉट होटल बुक किया है नहीं किया मुझे बाबू कर दिया यार इतना भरोसा नहीं है नहीं भरोसा है देखो हाँ तो, भरोसा नहीं होता तो तुम्हें पेमेंट नहीं देता हाँ ना तो बस तो जब तो कह रहे भरोसा है ना भरोसे पे दुनिया कायम है बिल्कुल भरोसा अरे भरोसे पे ही तो हम चल रहे हैं दिल अभी हमारे मिल नहीं पाए ना अच्छे से नहीं अरे क्यों नहीं मिल पाए जब तो मैं होटल बुक किया है नहीं अभी तो अब देखो अब होटल में होगा ना तो अब उसके बाद ही मिलेंगे जो भी दिल वगैरह 4 बजे अभी टाइम क्या हुआ है टाइम अभी तो टाइम है यार 4:30 की अभी तो अपने पास 15-20 मिनट का टाइम है ठीक है 4 बजे हमें होटल पे निकलना है बिल्कुल 4 बजे निकलते हैं तो अभी बताओ कुछ करने का प्लान है तुम्हारा बहुत कुछ करने का प्लान है क्या क्या सोच रहे यहाँ पे करोगे क्या यहाँ पे थोड़ा सा मूवी बना लो ना और उसके बाद चलते हैं यार घर पे यहाँ पे करेंगे होटल पे मुंडी मुंडा वहाँ तो फिर नहीं देखो कुछ आप यहाँ पे भी कर सकते हो ऐसी बात नहीं है ठीक है यहाँ तो पब्लिक प्लेस है पब्लिक प्लेस देखो भाई पैसा दिया है ना तुम्हें हाँ। पैसे में तुमने बोला उतना ही दिया ना हाँ। तब भी हम यहाँ पे खड़े होकर करते हैं ठीक है थोड़ा सा अरे बातचीत करते हैं नॉर्मल हाँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना तब मैं उठूंगा कि अपनी तरफ से आ जाओ इधर माल यहाँ पे आ जाओ ना पेड़ के पीछे तो देखो कीड़े हैं चलो मैं पेड़ से हो जाता हूँ देखो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप सामने आ जाओ यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे सामने यहाँ पे आ जाओ कोई दिक्कत अब देखो एक चीज़ बता दूँ तुम्हें क्या देखेगा पेंट थोड़ी ना खुला दिखाओ ऐसे क्या मूड बना रहे हो दिखा दो दिखाओ नहीं नहीं वो तो सब सारी चीज़ें ठीक हैं
देखो मैंने ना जो भी सारी चीज़ें होती हैं, जो भी होटल वगैरह में जो भी हम प्राइवेसी जो भी सारा कुछ फिजिकल वगैरह होंगे, तो उसमें ना मैंने ज़्यादातर पहले कभी किया नहीं हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। यार एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं। तुम्हें भी नहीं? कसम से नहीं, बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें भी। तो फिर कैसे होगा? अरे हो जाएगा ना। हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा, क्योंकि देखो भाई मैं अपने ऊपर वो नहीं हूँ पूरा। हाँ। पता चले अब देखो तुम्हें फिर सपोर्ट करना पड़ेगा मेरे अच्छे से। मैं सपोर्ट करूँगी ना, तुमने मुझे पे आउट करा तो मैं सपोर्ट भी करूँगी। बस बिल्कुल, बस पेमेंट का कोई दिक्कत नहीं। अगर वहाँ पर अगर मेरे को अच्छा लगा ना होटल में, पैसे का तुम्हें पता है बैकग्राउंड में, मैं तुम्हें अपना बता चुका हूँ और पेमेंट करवा दूँगा जरूर। ठीक है ना, टेंशन ना ले यार। और तो मैंने पूरा भरा हुआ बैठा हूँ, दम आदम दम आदम पलंग तोड़ दूंगा बस कसम से। अच्छी बात है। चलो अब चार बजे हमें निकलना है। हाँ चार बजे हमें निकलना है, टाइम हो गया ना। पैसा खर्च किया है तो फिर चलते ना। कहाँ पे पार्किंग में चले? हाँ चलो। ये सब क्या हो रहा है? तुम ये सब कौन है? कौन है भाई यहाँ? मैं यहाँ कैसे? अरे फ्रेंड है वो मेरा। फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है? तो ऐसे किसी से मेरा रिश्ता जोड़ देगा क्या? रिश्ता तो ये बात करो, कौन है ये? कौन है? कैसे तुम अकेले? मेरा वो भाई। क्या हुआ? पैसे दिए मैंने इसको 25-30 हज़ार, उसके लिए ले गया हूं। मेरी तू ऐसे ही कैसे पैसे दे सकता? अरे तुम हाथ कैसे उठा रही हो मेरे ऊपर? रिश्ता जोड़ देगा क्या? रिश्ता जोड़ दूंगा? समझ में नहीं आता क्या तेरे को? समझ में नहीं आता क्या? समझ में, ये बॉयफ्रेंड है तुम्हारा या फिर कुछ भी बोलेगा? बात तो कर लो। ये बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? कौन है? देख मैं पहले समझा रही हूँ, समझ में आ जा। चुपचाप बैठ, चुप रह। समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा तेरे को? समझ में क्या आएगा? ये क्या प्रॉब्लम हो रही है तेरे को? एक मिनट मैडम, कर क्या रहे हो? क्यों मार रहे हो भाई? खराब हस्बैंड है आपका? हस्बैंड है भाई तू? हाँ वाइफ है ये मेरी यार, ऐसा कैसे किसी और के साथ? चल क्या रहा है तुम्हारा? क्या वाइफ है? वाइफ है, वाइफ है। कबाब मेडी कहाँ से आ गए बाबू ये? चलते ना हम होटल। ये सब क्या चल रहा है? अरे भाई होटल जा रहा हूँ यार, पेमेंट दिया है मैंने उसको। होटल 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 जा रहा है भाई, हम मिलने के लिए पूरा प्लान था। अरे बीवी यार, इसको होटल लेके जाएगा क्या मैडम? क्या ये तुम्हारी बीवी? हाँ जी भाई। तुम कौन है? इसका दोस्त हूँ मैं। तो फिर भी यहाँ क्या कर रहा है? दोस्त है तो दोस्ती बाहर निभाना। तो तू यहाँ क्या कर रही है इसके साथ? तू कौन सी दोस्ती निभा रही? तू कौन सी दोस्ती निभा रही? इधर कैसे मार रहा हूँ? हैं क्या? हाथ कैसे उठा रही है? टच कैसे कर रही है? तू कैसे टच कर रही मुझे? है टच कर तोड़ दूंगा अलग से, तुझे समझी? कौन है ये? कोई भी, तू कौन है? मेरा परिचय मत पूछ, ये कौन है ये बता। तू यहाँ से निकलना है, यहाँ से अभी। ये भी तू भी पिटेगा और ये इसको भी मारूंगा पलक पकड़ के। बता दे कौन है? इज्जत से तेरे को बोला तू यहाँ से, तू निकल। पैसा पेमेंट दिया मैंने इसको इधर बैठ के लिए लेके। इधर बैठ। इन सब चीजों के लिए तुम भी पेमेंट, किस चीज की पेमेंट ले रहे हो? तुम तो हाथ उठा रही है मैडम, ये तुम्हारे आ सके मैडम? क्या पेमेंट दिया? तू निकल पहले यहाँ से। पेमेंट दे दिया मारने के लिए और दौड़ रही भाई? तो पूरा घुमा दिया, मतलब क्या है भाई तू क्यों है इसके पास? मैंने 15-25 हज़ार का पेमेंट किया है इसको। किसके लिए दिया है? होटल में ले जा रहा हूँ काम के लिए। शर्म आ रही है? आ रही शर्म? तू कौन है? 15 हज़ार में बिस्तर पे जा रही है तू? और तू कौन है? और इसके साथ क्या कर रही है? ओ माय गॉड भाई, क्या शादी करी थी? ये प्यार किया तुमने? मुझे नहीं पता था बस, ये मुझे नहीं पता, ये पैसों के लिए तुमने मेरे से शादी की है। 15 हज़ार में जा रही है सोने? ओ हाथ पकड़ तोड़ दूंगा यहाँ पे। तू निकल यहाँ से। तेरी लड़की है क्या? तू निकल इसे लेके यहाँ से, नहीं तो क्या करेगी? क्या करूँगी? नहीं तो क्या करेगी? नहीं क्या करूँगी? इसे भूत बना दूंगी समझी, गला दबा के यहीं पे जान से मार दूंगी, पता भी नहीं चले कहाँ से और कहाँ गई है। मुंह को अपने जुबान को लगान दे, हो गया ना तेरा? लगान दे, मुंह बंद कर ले, बोले जा रहे बंद कर ले, बंद कर ले। जूता निकालो, जूता निकालो। चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, चुप, बिल्कुल चुप, बस बकवास कर। बैठ जाइए बस, समझ गई? तू ये चीज बता पहले, इसका ओए हेलो निकल यहां से। क्या बता तेरे को? तू कौन है? ओए लड़की, अबे पागल पागल है क्या? थोड़ी सनक की है क्या? मैं क्यों मत खराब करी? मैं सच में तू जिंदा? मैं इसका दोस्त हूं, 50 बार समझ नहीं आ रही है तू एक चीज? दोस्त तू ऐसे क्यों कर रही है बता दे बस मुझे। वो तो पागल है, वो तो कुछ बोलेगा नहीं, सबसे बड़े चूतिया ये से बोला नहीं तुझे, तेरी हरकत है। अगर मेरे जैसा होता ना तो भूत बना देता वहीं पे। और ये ना कोई वो नहीं, ये मेरे साथ है और हम सब साथ है, ठीक है? ये तुझे ये तेरे हस्बैंड की प्री प्लानिंग थी, तू बुलाकर तेरी हरकतें देखने के लिए। और जो तूने यार के रखे अलग से, हाँ यही है, सब हम मिले हुए हैं, ठीक है? रात रात वो घर से बाहर जाओगे बिना बताए मैंने? और तुम और तू माइके के बहाने किसी और से मिलने जा रही है? क्या कमी थी तुम्हारे लिए आखिर? 4 महीने तूने 400 रंग दिखा दिया उसको। गुंडे, वाह, खड़ी हो, बैठने के लिए नहीं बोले तरफ से, खड़ी हो, इधर खड़ी हो। अच्छा हम गुंडे हैं? बात करो। हम गुंडे? गुंडे बुलाए? गुंडे नहीं है ये, सिर्फ तुम्हारी सच्चाई का पता लगाने के लिए। सच्चाई कर रहे तो हम गुंडे हैं? ले बुला ले पुलिस वाले को, बुला ले, तेरे मार रहे हैं, बुला ले पुलिस वाले को। हम बुला लूंगी। बुला ना, बुला लूंगी ना। बुला पुलिस वालों को, बुला। बहुत हाथ उठा रहा है। इधर आ, तू जानती है तू बहुत हाथ उठा रहा है। वो देख सामने वहां कैमरा लगा रखा है। अब बोल गुंडे, कैमरा लगा तेरी हकीकत कर रहे हैं, तेरे घर वाले तुझे खींचेंगे, ये फिल्म बना रहे, तेरी पूरी मूवी बना रहे हैं। पूरी सच्चाई पता चलेगी,
तेरी पूरी मूवी बना रहे हम यहाँ पे, ये तूने बुलाया इन सबको। हाँ अब ये बता इसने किया क्यों तूने इसके साथ ऐसा, फर्स्ट नाइट तूने इसे बोला मैं बीमार हूँ। एक मिनट पहले मेरे को बात करने दे। फोन कौन कहाँ है तेरा? 5 और 15 कितना? 20,000 दे दिया ना तेरे को पेमेंट। पेमेंट कब देगी? मैं कुछ नहीं जानता, पेमेंट चाहिए मुझे। तो मेरा तो भाई पूरा प्लान चौपट हो गया। कौन सी पेमेंट दी है तूने मुझे? 5,000 तो तेरे को नाइट में सेंड की थी जब वीडियो कॉल हुई थी हमारी। पेमेंट नहीं दी तूने मुझे? नहीं दी कोई पेमेंट। हां नहीं दी है। कैमरा दिखा दिया, पता ना मैं इनके साथ में। पेमेंट है मेरा इस पे भाई, बता तो दिया अनजान के बन रहे हो, बता तो दिया लेके जा रहा है उसमें, लेके जा रहा हूं, लेके जा रहा 15,000 रुपए में, खत्म बात। और वो जाती है एक के साथ ही जाती, सबके साथ जाती है वो। अबे पति को धोखा क्यों दे रही है? और गाइस देखा आपने, कुछ नहीं कहूंगा, बैठ जा चसु, कुछ नहीं कहूंगा अभी। बात कर लो साइड में जाके, अभी बात करेंगे हम उससे, उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना वो देख लेना, बट ये चीज बहुत गलत लगी। और गाइस और कुछ नहीं कहूंगा, वीडियो को जैसा आपको अच्छा लगे, अच्छी वीडियो लगे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? और आपकी दिक्कत है मेरी इंस्टाग्राम नहीं जो बात कर सकते हैं, तो ऐसे एक नई वीडियो में दोबारा आपसे मिलते हैं। बाय।